हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 सॉल्यूशन यानी विलयन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 का जो चैप्टर 2 है सॉल्यूशन विलयन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और विलयन सॉल्यूशन की ये फर्स्ट वीडियो है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विलयन लेसन, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का, इसमें से एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का पूछता है। अगर आपको 7 मार्क्स गेन करने हैं तब आपको सॉल्यूशन चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सबसे पहले कि विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। विलयन सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अभी आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे मैं आपको बताऊंगी विलय किसे कहते हैं, विलाय क्या होता है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, यानी विलयन किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ जो होंगे उनके समांगी मिश्रण को, किसको, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अभी हम आगे देखते हैं विलयन के दो घटक, विलयन के घटक दो होते हैं, कौन कौन से दो घटक होते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक होता है विलय और एक होता है विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों के बारे में देखते हैं कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ठीक है। तो पहले ये समझिए, इसको अगर समझ लेंगे तो आपको विलय समझ आ जाएगा, विलायक समझ आ जाएगा और विलयन समझ आ जाएगा, इन तीनों के बारे में ही समझ आ जाएगा अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ, चीनी का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन इक्वल टू चीनी प्लस जल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चीनी है और जल है, अगर चीनी जो है उसको मैं जल में डालती हूँ तो क्या बनेगा, चीनी को अगर हम जल में डालते हैं तो क्या बनेगा, विलयन बन जाएगा। चीनी को जल में डालेंगे तो ग्लूकोज बनेगा और उसको क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, उनके समांगी मिश्रण को, यानी इक्वल जो हो उसके समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं, ठीक है। तो जल को चीनी को जल में डालूंगी तो विलयन, ग्लूकोज बनेगा उसे विलयन कहेंगे। अब जो चीनी है यहाँ पर वो हमारा क्या है, चीनी हमारा यहाँ पर विलय है और जल क्या है, जल हमारा विलायक है। अब क्यों चीनी विलय है और जल क्यों विलायक है इसके बारे में सुनिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको विलय और विलायक की डेफिनेशन, परिभाषा देखनी होगी। तो देखिए कि विलय की परिभाषा और विलायक की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, विलय, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। यहाँ पर चीनी की मात्रा क्या है, जल से कम है, चीनी की मात्रा क्या है, जल से कम है, तो वही बात हुई है कि विलयन में, इस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। लेकिन अगर जल की बात वहाँ पर हुई है तो जल का, जल की बात हुई है तो क्या हो जाएगा कि विलायक में क्या होता है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। यहाँ पर चीनी की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो विलय है वो चीनी है और जल क्या है, हमारा विलायक है। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो दोस्तों ये था विलयन, विलय और विलायक के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, अपने लिए यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल टीम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।